अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कोल्ड सैंडविच। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें हाफ कप कैरेट है, इसको बारीक इस तरह कट कर लीजिए। शिमला मिर्च है 1/4 कप, सब्ज मिर्च है 1 टीस्पून, टमाटर चॉप्ड 1 टीस्पून, खीरा है 2 टेबलस्पून चॉप्ड हुआ हुआ। ये मैंने आइसबर्ग लिया है 2 टेबलस्पून, इसकी जगह बंद गोभी भी ली जा सकती है। मेयोनीज है, हरी प्याज है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक हसबे जायका। चीज़ है ये ऑप्शनल है, और 1/2 टीस्पून क्रीम चीज़ है और ब्रेड है। हम मेयोनीज को एक बड़े बाउल में ले लेंगे क्योंकि हमने सब चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम कैरेट डालेंगे। जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आप इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें काली मिर्च और नमक और इंच क्रीम चीज 1/2 टीस्पून, इसको अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके से मिक्स हो गए हैं। ये सैंडविचेस बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इसलिए आप इस तरह के सैंडविचेस बना के उनको लंच में दें, स्नैक में दें, तो उनकी ग़िज़ाइत भी पूरी होगी। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस की साइड्स कट कर लेंगे इस तरीके से। ये अब हम इन पे जो बैटर बनाया है वो पेस्ट करेंगे। इस तरह बैटर पेस्ट करने के बाद ये जो चीज़ है इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं पे इस पर स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद इस पर इसको आप अपनी डिज़ायर्ड शेप में कट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि इन सैंडविच को कोल्ड कैसे करना है। आपने इसको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना है वरना ये ब्रेड सख्त हो जाएगी। एक कपड़ा लें, उसको ठंडे पानी से गीला कर लीजिए, और उसके बाद आपने जो सैंडविचेस बनाए हैं इस तरह प्लेट के ऊपर रख के कपड़ा इन सैंडविचेस को उस पर रखना है। और इस कपड़े को ऊपर से इस तरह ढांक देना है, और इसको आपने 15 से 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है।